अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे होंगे क्वेश्चन बैंक से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम कुछ मजीद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल में कौन कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं साइड के एंगल के। तो सबसे पहली कंडीशन लिख लेते हैं हम, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल। इसके हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे क्या होते हैं वो। एक ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक होता है हमारे पास हाफ बी सी साइन अल्फा, एक होता है हमारे पास हाफ ए सी साइन बीटा। ये फॉर्मूले बहुत आसान से हैं, तीनों लिख लूँ फिर मैं एक साथ समझाता हूँ। एक होता है हाफ ए बी साइन गामा, ठीक है। अगर आप चेक करें जो साइड आ रही है ना बी और सी, रिफर्स कर लें, ए के रिस्पेक्ट से अल्फा है, बी के रिस्पेक्ट से बीटा है, सी के रिस्पेक्ट से गामा है। तो जो साइड आ रही है उसके अपोजिट में है, मतलब एंगल आ रहा है। ए सी है इसमें बी नहीं आ रहा, मतलब कि बीटा आ जाएगा। ए बी है मतलब कि सी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एंगल गामा आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखें आप, बाकी सारे फॉर्मूला खुद से बन जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, व्हेन वन साइड एंड टू एंगल इज गिवन। अब क्या है, कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, लाइक एक साइड है और दो एंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ए स्क्वायर साइन गामा साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा, ठीक है। ये भी तीनों एक साथ लिख देता हूँ फिर एक साथ समझाता हूँ आपको। सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक याद करेंगे सारे खुद से हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा साइन बीटा, और लास्ट है हमारे पास हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब फॉर्मूलाज की बात करते हैं। जब हमारे पास एक साइड हो और दो एंगल गिवेन हो, तो जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल गिवेन हो, ये देखें आप चेक करें इसके अंदर एक साइड आ रही है सब में, और जब दो एंगल गिवेन हो, सिंपल सा फॉर्मूला है, लाइक अभी मैंने बताया था ए के रिस्पेक्ट से अल्फा है, बी के रिस्पेक्ट से बीटा है, और सी के रिस्पेक्ट से हमारे पास गामा है। तो ए अल्फा है तो साइन अल्फा देखें नीचे आ रहा है, बी था तो नीचे साइन बीटा आ गया, सी था तो नीचे साइन गामा आ गया, ठीक है। और जो रिमेनिंग दो एंगल बचे वो ऊपर साइन करके लिख दिए। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जब वन साइड और टू एंगल्स गिवन हो। सेम ऐसे हमारे पास कुछ मजीद फॉर्मूलाज होते हैं, ये अक्सर टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसको हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज होते हैं। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक होता है हमारे पास टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, यह हमारा बराबर होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय वन प्लस ए बी, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स। अब यहाँ पे ऊपर वो माइनस की साइन आ जाती है, नीचे प्लस की जो है वो सेम रहती है, तो बस ये साइन का फर्क देख लीजिएगा आप। यहाँ पे दोनों जगह प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब डिनोमिनेटर में दोनों में प्लस की साइन है। लाइक अब हम एक एमसीक्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ए इक्वल टू 40.1 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया हुआ है गामा इक्वल टू 50 डिग्री। ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन है 20.718 स्क्वायर सेंटीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 307.18 स्क्वायर सेंटीमीटर,
सी ऑप्शन है हमारे पास 118 स्क्वायर सेंटीमीटर, और डी है हमारे पास 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप चेक करें, मैंने शुरू में फॉर्मूला लिखे थे दो साइड और एक एंगल के, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लग सकता है? हमारे पास दो साइड गिवेन है और एक एंगल गिवेन है, तो मैं ट्राइंगल एबीसी का कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ? हाफ ए बी साइन गामा, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, हाफ ए क्या है हमारे पास 40.1, बी क्या है हमारे पास 20, और साइन क्या है 50। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 307.18 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब के करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल वेन ए इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, और हमें एंगल दिया हुआ है बीटा 30 डिग्री, और गामा कितना दिया हुआ है हमें 40 डिग्री, और ऑप्शन है हमारे पास 3.61 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक है 4.61 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक है 5.61 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एक है हमारे पास 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके अंदर अगली कंडीशन का फॉर्मूला लग जाएगा, लाइक हमें दो एंगल गिवेन है, एक साइड गिवेन है। तो सबसे पहले मैं तीसरा एंगल निकाल लेता हूँ, लाइक सम ऑफ एंगल 180 के बराबर होता है। तो हमें बीटा और गामा कितना दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है 30 और गामा दिया हुआ है हमें 40, हो जाएगा 180। यहाँ से अल्फा हमारे पास क्या निकल जाएगा? 110। ठीक है, अल्फा निकालना क्यों जरूरी था? क्योंकि अब हमें तीनों एंगल पता लग गए, तो मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ मैं। लाइक हमें साइड कौन सी गिवेन है? ए। ए की टर्म में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर साइन गामा साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा। सारी वैल्यू पता है हमें, गामा कितना पता है 40, बीटा पता है 30, अल्फा निकाल लिया था मैंने, ए भी पता है। तो बस सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 4.61 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, मैं बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल इन ट्राइंगल एबीसी विद साइड ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? अच्छा, एक चीज याद रखते हैं हमेशा, जब कभी भी आपको साइड गिवेन हो और आपको एंगल निकालना हो, तो आपको कॉस के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। लाइक कॉस गामा का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, कुछ भी नहीं है, गामा के रिस्पेक्ट से सी आता है तो बस वो माइनस करवा दें आप। सेम ऐसे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा उससे हो जाएगा कॉस बीटा का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बीटा का मतलब माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ac। सेम ऐसी कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे माइनस ए स्क्वायर, नीचे डिवाइड में 2bc आ जाएगा। सही है, तो हमें तीन साइड गिवेन है, हमें निकालना है लार्जेस्ट एंगल। ये सवाल जरा ध्यान से किया, लार्जेस्ट एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले लार्जेस्ट साइड कौन सी है। तो ये है 5, ये है 10, ये है 14, मतलब ये जो है मेरी लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइड के लिए उसके रिस्पेक्ट से हम फॉर्मूला लगाते हैं, सी आ रहा है तो हम कॉस गामा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम कॉस गामा, क्योंकि सी साइड हमारे पास बड़ी थी 14 थी, तो कॉस गामा का फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस गामा वैल्यू पुट करते हैं बस आप, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इन क्वेश्चन में बस फॉर्मूले की पहचान होनी चाहिए, बाकी तो खुद से ही सॉल्व हो जाते हैं। हो जाएगा 2 × 5 × 10, तो कॉस उधर जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 135.23, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अक्सर एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। सेम ऐसी अगर मैं चार ऑप्शन लिख दिया तो, खैर मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। सेम ऐसे ही इसी से मिलते जुलता एक और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लाइक वो है फाइंड द
मेजर ऑफ, अभी मैंने बात की थी लार्जेस्ट की, अब मैं बात कर रहा हूँ स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहले साइड देखूंगा, ए की क्या आ रही है 4, बी की 2, सी की 2.5। स्मॉलेस्ट साइड कौन सी आ रही है, वो बी की आ रही है, मतलब कि मैं अब क्या लगा दूंगा, कॉस बीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि अभी मैंने लिखा था क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर मतलब के 4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब के 2.5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब के 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ए क्या है हमारे पास 4, सी क्या है हमारे पास 2.5। तो इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 24.14 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।